ऊर्जा शक्ति इंडिया सेंटर में यहाँ से आपके भीतर में जो ऊर्जा विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए आज आपके समक्ष बैठे हैं, ये उम्मीद करके कि आप बहुत ही सेहतमंद होंगे, बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि अब तक चलते चलते सफ़र में आपने ये सीख लिया होगा कि हमने कैसे खुश रहना है, कैसे हमने जो अपने अंदर के दर्द को जो हमने छुपा के रखा था कैसे उसको अपने आप से दूर रखना है, और कैसे उसको सिर्फ ख्यालों में दूर नहीं रखना, सच में उसको जो है उसके साथ डील करके उसको जैसे हम घर का कचरा जो हम नहीं चाहते घर में रखना उसे बाहर निकालते हैं, उसी तरह से आपने अपने अंदर के दर्द को बाहर निकाल दिया होगा। तो जब आप अपने भीतर के दर्द को बाहर निकालेंगे तो फिर आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएगी, ये हमारा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, ये हमने देखा है। आज जो है हम सेंटर पे आए क्योंकि इस समय के चलते सफ़र में दिनों की कुछ ऐसी रफ्तार भाग रही है, इसमें इतनी तेज़ी है कि पता ही नहीं चल रहा कब दिन होता है कब रात होती है। जैसे मैं हमेशा मैं कहती हूँ कि उसकी रजा में सब होता है, हम कुछ भी चाहें कुछ भी करें होगा वही जो उसे अच्छा लगता है। तो आज हमने प्रोग्राम बनाया था पहले यहाँ आने का कि जो है इंडिया सेंटर में हम जो है थोड़े से जो विचार है आपके समक्ष रखेंगे, आपके साथ बातें करेंगे, और यहाँ का जो कुदरत का प्यार है वो भी हमें अपना प्यार दिखा रहा है। कभी पंछी जो है साथ निभाते हैं तो कभी जो है जो बादल है वो अपनी बातें हमसे करते हैं, तो कभी बारिश जो है वो अपना जो आवाज़ हम तक पहुँचाती है। हम सभी का धन्यवाद करते हैं इस कुदरत में, इस नेचर में बैठे हुए इनके प्यार के लिए। तो अब जो है अगर सच में आपने अपने तन और मन के भीतर के जो भी विचार हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए वो सही नहीं थे, उनको आपने सच में दूर आपसे खुद से कर दिया, तो उसके करने से जो है आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू करोगे। अब हर इंसान चाहता है ज़िंदगी को एंजॉय करो, और ये भी सच है कि हर इंसान की जो इंजॉयमेंट है जो उसका खुश होने का तरीका है वो अलग अलग है। कुछ लोग खुश होते हैं जब लगता है कि वो कहीं शादी में जाते हैं, जब कहीं दोस्तों में रहते हैं, जब उनको जो उनके मन को अच्छा लगता है जब वो कार्य करते हैं तो वो खुश होते हैं। अगर आपकी खुशी भी अभी वहीं तक है तो शायद जो है आप सच्ची खुशी से बहुत दूर हैं, शायद क्या सच में ही आपने सच्ची खुशी को जो है नहीं देखा, जो उसका एक्सपीरियंस नहीं किया। सच्ची खुशी जो सदैव रहे, जो हमेशा आपके साथ रहे। आप सोचिए आप कहीं पार्टी में गए, कहीं आपने जो है दोस्तों मित्रों के साथ गए, कहीं आपने समय जो है बिताया उनके साथ जिनके साथ आप समय बिताना चाहते हैं, पर जब वो चले जाएंगे तो क्या आप फिर खुश रहेंगे? खुद से जो है इस बात का जो है आंसर आप जानिए, खुद से इसका जवाब लीजिए, और सच में खुद से पूछिए कि जो ऐसी खुशी है कि आपके जीवन में सदैव रही है या रहती है। जिस खुशी की बात हम कर रहे हैं वो खुशी आपके साथ हमेशा रहेगी, कैसे रहेगी खुशी? वो कैसे आप ज़िंदगी के हर पहलू को इंजॉय कर सकेंगे? हमने चलते सफ़र में पहले बात की थी, जो समय बीत चुका है उसमें हमने थोड़ी सी बात की थी आपके साथ कि अगर आपने हार्ट चक्रा पे जो है आप थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करेंगे, हार्ट चक्रा को समझेंगे तो आप सब तरफ फील करेंगे, जो है महसूस करेंगे सभी आपको प्यार कर रहे हैं और आप भी प्यार कर रहे हो सबसे। आप कर नहीं रहे हो, आपसे प्यार हो रहा है। आज जो है जो अगर आप सच में खुश होना चाहते हो, सच में इसका एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आपने ये समझना है पहले कि आपने जो जीवन जो अभी तक जिया है, अगर आपने सच में अपने पास्ट को समझ लिया, सच में आपने देख लिया कि अभी जो आपके जीवन में किसी के लिए कोई भी ऐसा भाव नहीं जो आपको दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, उस हालात में फिर आपने क्या करना है? जब आप बैठोगे तो आप जो है आप देखेंगे कि आपके शरीर में के भीतर कुछ जो है कुछ अलग सा होगा। कुछ लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो हमारे शरीर में ऐसा लगता है कि हम फोकस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट अपने शरीर के अंगों के ऊपर। तो आपने भी ये महसूस करना है, देखना है कि आप जानते हैं कि आपके शरीर के भीतर जो है एनर्जी पॉइंट्स हैं, ज़्यादा करके जो हम सब कहते हैं कि थर्ड आई। थर्ड आई जो है एक पावरफुल मेडिटेशन है, थर्ड आई से बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो, आप उसका एक्सपीरियंस कर सकते हो, पर इसके साथ साथ आपको ये जानना चाहिए कि थर्ड आई तक आप पहुँचते कैसे हो। अगर आप बाकी सब जो है शरीर के दूसरे चक्करों के ऊपर, तकरीब दूसरे पॉइंट्स के ऊपर
ध्यान नहीं देंगे, सीधे आप थर्ड आई पे आ जाएंगे, तो उसमें बहुत सारी जो है आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो चैलेंजिंग होंगे आपके लिए। तो ऊर्जा शक्ति में आप आपको सिखाते हैं, बात करते हैं आपके भीतर के 7 चक्रों के ऊपर। जैसे जैसे आप एनर्जी को जो है महसूस करेंगे, फील करेंगे और अपने भीतर की ऊर्जा के साथ रिश्ता बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके मूलाधार चक्र से लेकर, अभी अगर आपने ये शब्द पहली बार सुना है तो मूलाधार जो है सबसे फर्स्ट चक्र है जो स्थित है आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जहाँ से आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो शुरू होती है, वहाँ का जो चक्कर है उससे लेकर आपके सर तक 7 चक्कर हैं। इन 7 चक्रों के बारे में ज़्यादा जानकारी हम आपको अभी नहीं दे सकते, समय नहीं है। आप समझ सकते हो इतने समय में हम आपसे कितनी बात कर पाएंगे। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो इस लाइन पे, आप जानना चाहते हो कि हमारी नाभि पे जो है कौन सा चक्कर है, फिर सोलर प्लेक्सस जहाँ हमारे रिब्स होते हैं, रिब के सेंटर में सोलर प्लेक्सस चक्कर है, और उसके बाद जो हार्ट चक्र है और विशुद्धि चक्र है जो अपने हमारे थ्रोट में है, गले में है, फिर थर्ड आई फिर आता है जो अपने हमारी दोनों आँखों के सेंटर में, जो हमारे जो है मस्तिष्क पे, जहाँ करके आप देखो बहुत से लोग जो है जो टीका लगाते हैं वो थर्ड आई है। क्या आप जानते हो लोग चंदन का टीका क्यों लगाते हैं? एक्चुअली जो है उस ग्लैंड को कूल रखने के लिए, शांत रखने के लिए लोग चंदन का टीका लगाते हैं। आप जानते हो कुछ लोग जो होश में जो बिंदी लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मैंने बिंदी वहाँ पे लगाई है कि मैं जो हूँ मैं एक सोल हूँ और जो मेरी अवेयरनेस है वो यहीं पे है, और मैं जो हूँ ये थर्ड आई जो है ये हमारी जो आगे चलने की यात्रा का एक द्वार है। थर्ड आई से हम जो है हम आगे के चक्र पे चलते हैं, जिसे हम क्राउन चक्र भी कहते हैं। सो मूलाधार से लेकर क्राउन चक्र तक जो 7 चक्र बनते हैं, इनके जो हिंदी में नाम अलग हैं, इंग्लिश में अलग कहा जाता है। तो अभी आपने ये देखना है कि इन चक्रों के माध्यम से अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, अगर जानना चाहते हो मूलाधार चक्र कहाँ है, स्वादिष्टना कहाँ है, मणिपुरा कहाँ है, अनाहत चक्र कहाँ है, विशुद्धि चक्र कहाँ है, और उसके बाद जो है थर्ड आई कह लो, जैसे जो जहाँ किसे कहते हैं त्रिकुटी कहते हैं, फिर सहस्रधारा। अभी जो सहस्रदल या सहस्रधारा या क्राउन चक्र, इसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे 1000 पेटल्स हैं, उसका कमल फूल है जो खिलता है, खिलने के बाद आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे ही मेडिटेशन करते हुए महसूस करते हैं कि हमारा थर्ड आई जो है खुल गया, हमने भीतर का मार्ग शुरू कर लिया, और मैंने बहुत से जीवों को इस रास्ते पर चलते, इस मार्ग पर भटकते देखा है मैंने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब बज्र का पाठ खुलता है तो क्या होता है? आप एक बार सोच के देखिए कि कोई दीवार है, उसे जब कोई तोड़ता है तो कैसा धमाका होता है, और जब धमाका होता है तो उस समय आसपास में कैसी ऊर्जा होती है, कैसी एनर्जी होती है। फिर जब इंसान खुद के जीवन में त्रिकुटी को पार करते हुए जब बज्र का पाठ को खुलते हुए देखता है, अपने शब्द को जपते हुए उसे तोड़ता है, टूटते हुए देखता है, आगे के सफर पर चलता है, उसके साथ क्या होता होगा? शायद आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अनुमान अनुमान होता है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है। ऊर्जा शक्ति की तरफ से हमारी कोशिश यही रहती है कि आप जैसे दुनियावी पढ़ाई पढ़ते हो, जैसे आप चाहते हो डॉक्टर बनना तो आप स्टडी करते हो, उसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि आप स्पिरिचुअल मार्ग पर चलते, अगर चलना चाह रहे हो तो आप उसी तरह से स्टडी को भी सीखें, समझें, फिर आप आगे बढ़ें। क्योंकि मैंने जो है धर्म के नाम पे एक इंसान को सिर्फ धार्मिक होते देखा है मैंने, पर धर्म के नाम पे आगे बढ़ने वालों को बहुत कम सच में आगे बढ़ते देखा है। मैं बहुत से जीवों से मिली हूँ, मैं किसी के भी जो है अगेंस्ट नहीं हूँ, सबका अपना रास्ता है, सब अपने तरीके से चल रहे हैं, सब अपनी कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि वो सच में रास्ते पर चल रहे हैं या डिप्रेस्ड हो गए हैं। और जो जानता है वो उन्हें कहता नहीं है। बहुत बार जब उनको एक्सपीरियंसेस होते हैं, तजर्बे होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को उन बातों का पता ही नहीं होता और वो आराम से कह देता है कि आप छोड़िए ये सब, आप डिप्रेस्ड हो गए हो, ये डिप्रेशन है। इसमें डॉक्टर का भी कसूर कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसका रास्ता नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपके शरीर में कोई जो चेंजेस आ रही है डॉक्टर के पास मत जाइए, ज़रूर जाइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल मार्ग पर चल रहे हो, चक्रों की साधना कर रहे हो, आपके चक्रों को बैलेंस कर रहे हो या बैलेंस करना चाहते हो,
तो फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप किसी उस इंसान को मिलें जो इंसान जो पहले से चला हुआ इस मार्ग पे है, जो जानता है कि इसमें कैसे क्या क्या करना है। जिस इंसान के, जिस जीव के अगर उसने शुरू साधना की है, ये चक्कर नेचुरली जो है वो ओपन होते हैं, नेचुरली इनकी एनर्जी उठती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब जो एक इंसान जो है अगर हीट के पास बैठा होगा तो उसको गर्मी महसूस होना, या उसको जो एक्सपीरियंस होगा उसका अपना होगा। धूप में बैठे हुए, सूरज के पास बैठे हुए, आपका आपका अपना अनुभव होगा। उसी तरह से अगर जो है आप साधना कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, नाम सिमरन कर रहे हो, तो आपके चक्रों में हलचल होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, अगर आप सच में ये कर रहे हो। तो ऊर्जा शक्ति की तरफ से हम जो है वर्कशॉप करते हैं जिसमें चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा क्लींजिंग, ये सब जो कार्य हम सिखाते भी हैं और हमारे जो टीचर्स हैं वो ये सब करते भी हैं। तो उनके लिए जो नंबर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, उन पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जान सकते हो कि क्या सच में आपके चक्रों को ज़रूरत है साफ़ करने की, या आपके चक्रों को बैलेंस करने की। क्या होगा अगर चक्र बैलेंस होंगे, क्या होगा अगर जो है आपकी जो एनर्जी है वो फ्लो में रहेगी, आप जानते हो, तो आपका ऑरा चेंज होगा। क्या है ऑरा, आपने जाना इसके बारे में? अगर नहीं जाना, नहीं सुना, तो मत भूलिएगा अगला कार्यक्रम देखना, उसमें हम बात करेंगे ऑरा की, कि ऑरा क्या है, ऑरा से होता क्या है, और जो ऑरा जीवन में क्यों ज़रूरी है कि हम चक्रों की जो है एनर्जी को बैलेंस रखें, चक्रों को जो है क्लींस करें, उनको देखें। अगर हम साधना करते हैं तो, अगर हम इस रास्ते पर नहीं चले, चलना चाहते हो, तो भी हम जो है ऊर्जा शक्ति की तरफ से आपकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। डिसीज़न आपने लेना है, चलना आपने है। जब भी कभी आप तैयार हो जाएं, अपने विश्वास जो रखें अपने खुद के ऊपर कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो हम जो है पूरी जो है कोशिश करते हैं कि इस समाज में, इस संसार में कोई भी जो जीव है, जिस धर्म में पैदा हुआ है, अगर वो चाहता है कि मुझे डेवलप खुद को करना है, चलना है सच के मार्ग पे, तो ऊर्जा शक्ति की यही कोशिश है कि आप जो है उस पर चलें, और हम जो है जो आपके लिए कर सकें हम करने को तैयार हैं। अभी देरी आपकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं। जो भी आने वाला जो वर्कशॉप होगी या सेमिनार होगा, उसकी जानकारी आप ले सकते हो, क्योंकि इस धरती पे आने का मौका जब मुझे मिलता है आते यही काम करते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन बात कर सकते हो। क्योंकि अभी हालात ने ऐसा किया है कि जहाँ कह लो ऊपर वाले की मर्जी है कि मेरा जो शरीर का रहना ज़्यादा करके लंदन में ही होता है और वहाँ पे हमारा सेंटर है। अगर आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके मिलने वाले लंदन के किसी एरिया में रहते हैं, अगर बर्मिंघम के नज़दीक हैं, तो हमारा जो सेंटर है कोवेंट्री में है, हमारा हेड ऑफिस जो है, तो वहाँ पे मेडिटेशन का जो है पूरा का पूरा प्रबंध है। अगर आप 24 आवर्स साधना करनी चाहते हो तो भी आप जो है पूछ सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हम जहाँ पे इंडिया में भी 24 आवर्स की मेडिटेशन का जो अरेंज कर सकें। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपको ये सोच देते हुए कि ऑरा क्या है, ऑरा से क्या होता है, कैसे जीवन में चेंजेस आएगी, आप हमें दीजिए इजाज़त। आने वाले समय तक के लिए खुश रहिए, सबसे खुशी से मिलिए, अपने चक्रों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने मूल के साथ जुड़िए। इसी के साथ लव योरसेल्फ एंड लव ऑल।